हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी क्लासेस। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, सो आई होप यू ऑल लाइक इट एंड फाइंड इट यूजफुल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फार्मेसी टर्म्स के बारे में जो समझना तो इजी है, लेकिन टाइम के साथ साथ हम उसको भूलते जाते हैं और उसके मीनिंग के साथ काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं कुछ पेयर ऑफ टर्म्स के बारे में। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा टू मेन सब डिविजन ऑफ फार्माकोलॉजी के, जो कि है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोलॉजी के टू मेन सब डिविजन है ये, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। हम सभी इसके मीनिंग से वाकिफ हैं, हम सब इसके मीनिंग को जानते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक में क्या पढ़ते हैं और फार्माकोडायनेमिक में। लेकिन आज के मैं इस वीडियो में आप लोग को बताना चाहूंगा कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में जिससे आप आगे चल के कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इसके मीनिंग को लेके, और आपको याद रहेगा। स्पेशली ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहली बार ये टर्म सुना होगा। तो फार्माकोकाइनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीजन ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो काइनेटिक्स स्टैंड फॉर द मूवमेंट ऑफ द ड्रग, मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन बॉडी। ओके, तो हमको यहां पर याद रखना है काइनेटिक्स को। काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट, और ये चारों प्रोसेस में क्या दिखा रहा है हमको? मूवमेंट ही दिख रहा है। एब्जॉर्प्शन बॉडी में एक मूवमेंट होता है ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूशन में भी मूवमेंट होता है ड्रग का बॉडी में, मेटाबॉलिज्म भी एक मूवमेंट प्रोसेस है और एक्सक्रीजन भी। तो जहां जहां हमको ड्रग का मूवमेंट दिखाई देगा बॉडी पे वो होगा फार्माकोकाइनेटिक। उसी तरह फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? ड्रग का एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे वो एक्ट करता है बॉडी पे। ठीक है, ड्रग रिस्पॉन्स कर्व के बारे में बात करते हैं हम इस पे। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? डायनेमिक्स से। डायनेमिक का मतलब होता है पावर, या फिर हम दूसरे शब्द में बोले एक्शन। ठीक है, तो जैसे ही हम फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में सुनेंगे उससे हमको ये पता चल जाना चाहिए कि ये ड्रग एक्शन के बारे में बात कर रहा है, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या ड्रग, या इसका टॉक्सिक इफेक्ट अगर कुछ है। ठीक है, ये सारा चीज हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक में। एक चीज और यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट बॉडी डज विद द ड्रग, व्हाट बॉडी डज विद द ड्रग। जैसे ही हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी पे, तो बॉडी उसके साथ क्या करता है, मतलब कैसे एब्जॉर्ब करता है, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ करता है, मेटाबॉलिज्म कौन से साइट पे करता है, और एक्सक्रीजन कैसे करता है, व्हाट बॉडी डज विद द ड्रग, इसे फार्माकोकाइनेटिक। सिमिलरली व्हाट ड्रग डज विद द बॉडी, जैसे ही हम एडमिनिस्टर करेंगे तो ड्रग का भी कुछ एक्शन होगा बॉडी के साथ, तो व्हाट ड्रग डज विद द बॉडी, व्हाट ड्रग डज विद द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स। ड्रग का क्या एक्शन है बॉडी के साथ, ये हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स में। डी फॉर द ड्रग एक्शन, याद रख सकते हैं आप, डी फॉर द ड्रग एक्शन। ओके, तो ये सिंपल चीज था जो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स को अलग करता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को ये ट्रिक इजी लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप ये पहले से जानते होंगे तो भी आपको ये लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए इजी पड़ेगा। तो आइए इसको हम समझते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेके, एक ड्रग का एग्जांपल लेके, जो है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग है। क्लोरोक्विन अभी काफी फेमस ड्रग हो चुका है क्योंकि ये कोविड-19 पेशेंट में भी यूज हो रहा है प्रोफाइलेक्सिस के लिए। तो ये कॉमन पीपल भी इससे अब नोन है कि क्लोरोक्विन है क्या, इसका एक्शन क्या है। तो ये बेसिकली एंटी मलेरियल ड्रग है। अगर हम इसका दो पैरामीटर की बात करें, जैसे कि मैंने कहा फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, तो काइनेटिक्स अगर इसका देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन इसका देखेंगे पहले हम। तो जैसे ही हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी पे, इसका ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा है क्लोरोक्विन का, इसलिए ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। अगर कोई ड्रग ओरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो हम उसको इंजेक्शन के फॉर्म में डेवलप करते हैं। तो इसका ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा है, गुड ओरल एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ही अच्छा है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मतलब जैसे ही
ड्रग ब्लड में पहुंचता है तो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स रहते हैं जो कि कैरी करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। तो इसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अच्छा है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही अच्छा है। ओके, इसके बाद हम इसका बात करेंगे मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है इसका लीवर पे होता है और एक्सक्रीजन जो है वो किडनी के थ्रू। ओके, तो ये हो गया इसका फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। अगर उसी तरह हम डायनेमिक पैरामीटर की बात करें तो ये पहला तो हम जानते हैं इसका एंटी मलेरियल यूज है। तो ये प्लाज्मोडियम पे मलेरियल जो प्लाज्मोडियम होते हैं उस पे ये बेस्ट एक्ट करता है। बहुत ही फास्ट एक्टिंग है इसका, फास्ट एक्टिंग ड्रग है ऑन प्लाज्मोडियम। तो ये गुड एंटी मलेरियल ड्रग है। इसके साथ साथ ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है बॉडी पे, लंग्स पे खासकर। इसके और भी बहुत सारे यूज हैं, जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में यूज होता है, लेप्रा रिएक्शन में यूज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हुआ होगा फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक में क्या अंतर है और आप ये लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं, ये भी आप सीखे होंगे इस वीडियो के थ्रू। तो आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, टर्म्स की तरफ, जो है ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया। इसमें भी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ब्रेडिकार्डिया है क्या, टैकीकार्डिया है क्या। वो याद रखने का भी कोशिश करते हैं कि ब्रेडिकार्डिया मतलब डिक्रीज इन द हार्ट रेट, डिक्रीज इन हार्ट रेट इज ब्रेडिकार्डिया, और टैकीकार्डिया का मतलब इंक्रीज इन हार्ट रेट। मतलब हार्ट रेट जो होता है उसका नॉर्मल कितना रहता है वैल्यू, 72 बीट्स पर मिनट। ओके, ये है नॉर्मल हार्ट रेट। अगर 72 से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया या फिर ब्रेडिकार्डिया। तो इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, सी बी कम्स फर्स्ट इन द अल्फाबेट देन टी। बी सेकेंड अल्फाबेट है अल्फाबेट में और टी क्या है 20 अल्फाबेट है। सो बी कम फर्स्ट देन टी, इधर भी आप देख सकते हैं 2 जो है कम है 20 से, तो ये क्या हो रहा है डिक्रीज इन द हार्ट रेट। इसको याद रख सकते हैं 20 को इंक्रीज इन हार्ट रेट। ओके, अगर कंपेयर करें इन दोनों में तो 20 ज्यादा है, तो 20 का मतलब हम क्या करेंगे टैकीकार्डिया को डिनोट करेंगे 20 से और इसको हम कोरिलेट करेंगे इंक्रीज इन द हार्ट रेट। एक और ट्रिक है डी फॉर द डिक्रीज इन हार्ट रेट, डी फॉर डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो इससे भी हम याद कर सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया में डी आता है तो डी फॉर द डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो ये दोनों टर्म्स भी बहुत ईजी हैं, समझना भी ईजी है, लेकिन टाइम के साथ हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, खासकर वो स्टूडेंट्स लोग जो पहली बार इसको सुनते हैं, याद करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है मियोसिस और मिड्रियसिस। दोनों ही एक आई का ऐसा कंडीशन है जिसमें प्यूपिल साइज इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। मियोसिस में क्या होता है प्यूपिल साइज डिक्रीज होता है, ओके, और मिड्रियसिस में प्यूपिल का साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। आई में जो प्यूपिल होता है, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जैसे ही हम उसको बॉडी पे एडमिनिस्टर करते हैं तो आई का जो प्यूपिल का जो साइज होता है वो या तो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा या उसको डायलेट कर देगा, तो उसका डायमीटर या तो डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन को हम बोलते हैं मियोसिस या फिर मिड्रियसिस। तो मियोसिस को हम कैसे याद रख सकते हैं और मिड्रियसिस को कैसे याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है इसको याद रखना। अगर हम इसके स्पेलिंग के चारों ओर एक सर्कल बनाएं तो मियोसिस एक छोटे से सर्कल में आ जाएगा और मिड्रियसिस एक बड़े सर्कल में आएगा। तो इसी से हम इसको याद रख सकते हैं कि मियोसिस जो है वो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, एंड मिड्रियसिस मीन्स डायलेशन ऑफ प्यूपिल। ओके, तो ये भी बहुत ही अच्छा ट्रिक है आपको याद रखने के लिए, मियोसिस और मिड्रियसिस। अगेन इसमें स्पेलिंग में भी एक ट्रिक छुपा है डी, मिड्रियसिस में डी आता है तो डी फॉर डायलेशन ऑफ प्यूपिल, इससे भी आप याद रख सकते हैं। हमारा फोर्थ एग्जांपल है एफरेंट नर्व या न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन। ओके, तो एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन कब काम करता है, जब भी हमारा बॉडी कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलाई को फेस करता है तो इफेक्टर ऑर्गन से
वो पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ बढ़ता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर इफेक्टर ऑर्गन की तरफ आता है, ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तब जाके हमको कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलाई बॉडी को फील होता है कि पेन हो रहा है, कोई टच कर रहा है हमको, या फिर किसी फायर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो वो इसी दोनों प्रोसेस से कंप्लीट होके हमको फील होता है कि ये फायर है, हमको अपना हाथ यहाँ से हटा लेना चाहिए। तो पहले किसका काम स्टार्ट होता है, इफेक्टर ऑर्गन से जो नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गया है, फर्स्ट न्यूरॉन है ये, इसका काम स्टार्ट होता है, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर इफेक्टर ऑर्गन की तरफ आता है सेकेंड न्यूरॉन का। तो ए कम फर्स्ट इन अल्फाबेट देन ई, यहां पर भी हम वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, अल्फाबेटिकल ट्रिक, ए कम फर्स्ट एंड ई कम्स फिफ्थ इन अल्फाबेट। सो फर्स्ट न्यूरॉन क्या होगा, एफरेंट न्यूरॉन, या फिर इसको हम बोलते हैं सेंसरी, सेंसरी नर्व, क्योंकि ये सेंस को फील करता है, पहले एक्सटर्नल सेंस को जो है वो फील करेगा, वो क्या है, एफरेंट नर्व, फिर देन उसके बाद जिसका काम स्टार्ट होगा वो क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जो आता है वो है इफरेंट नर्व, ठीक है। तो इससे भी आप ये याद कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा आगे चल के आपको। हमारा नेक्स्ट और फिफ्थ एग्जाम्पल है प्री लोड एंड आफ्टर लोड। तो ये दोनों भी एक ऐसे लोड हैं जो हार्ट मसल को फील करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग हार्ट साइकिल। जब भी एक हार्ट साइकिल, कार्डियक साइकिल पूरा होता है तब ये प्री लोड और आफ्टर लोड हार्ट मसल को फील करना पड़ता है, स्पेशली वेंट्रिकल्स को, वेंट्रिकल्स को फील करना पड़ता है प्रीलोड और आफ्टर लोड। प्रीलोड वो लोड है जब वेंट्रिकल्स फील होता है ब्लड से, फीलिंग ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स, फीलिंग ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स, तो लोड ड्यू टू फीलिंग ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड प्रीलोड। जब हार्ट जो है रिलैक्स पोजिशन पर रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं डायस्टोलिक, डायस्टोलिक फेस पर रहता है, तब जो लोड फील करना पड़ता है वेंट्रिकल्स को हार्ट के, उसको हम बोलते हैं प्रीलोड। और आफ्टर लोड में क्या होता है, ड्यू टू सिस्टोलिक, ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स टू पंप ब्लड थ्रू द हार्ट इज नोन एज आफ्टर लोड। तो इसको हम इजी ट्रिक में कैसे याद रख सकते हैं, मैं बहुत ही इजी ट्रिक बता रहा हूं आपको प्रीलोड और आफ्टर लोड के लिए। प्रीलोड और आफ्टर लोड के लिए इसके सामने हम क्या लिख देंगे, फिश, एफ आई एस एच, ठीक है, फिश से हम इसको याद रखेंगे, फिश फॉर द फीलिंग ऑफ ब्लड, फीलिंग ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स, लोड ड्यू टू फीलिंग ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स इज नोन एज प्रीलोड, एंड आफ्टर लोड सिस्टोलिक लोड, सिस्टोलिक लोड या फिर कॉन्ट्रेक्शन लोड, लोड ऑन द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट ड्यू टू सिस्टोलिक या ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स टू पंप ब्लड थ्रू आउट इट इज नोन एज आफ्टर लोड। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग को ये ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे, आप लोग के कुछ डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे और लंबे समय तक आप इस टर्म्स को याद रख सकोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स में लिख के बताएं कि और भी ऐसे कौन से टर्मिनोलॉजी जो आपको कंफ्यूज करते हैं, मैं आपको उसके लिए एक अच्छा सा ट्रिक लेके आऊंगा आपको, ताकि वो लंबे समय तक याद रहे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।